तो यह है कि यह सावन है और सावन में हमारे भगवान शिव का विशेष पर्व माना गया है। वो इसलिए माना गया कि इन्होंने विषपान किया है। अमरकंटक में भगवान शिव की मूर्ति है जो कि नर्मदा नदी के अंदर है, गले को शांत करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। नर्मदा जी उनका स्वागत कर रही हैं। तो श्रावण के महीने में जो हमारे सदाशिव का जो भजन पूजा पाठ सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हम मतलब आजीवन जो भी कुंवारी लड़कियां शादी करती हैं तो भगवान शिव की तरह पति मांगती हैं कि अवधारदानी हो, जो मतलब कभी भी किसी भी तरीके से उनके गृहस्थ जीवन में विवाद नहीं आया। और जो विवाद आया वो वाजिब विवाद था, क्योंकि यहाँ पर भगवती आदिशक्ति महामाया दक्ष कन्या जो सती थी उन्हें अहंकार हो गया था, इसलिए उन्होंने दक्ष कन्या सती का त्याग किया था और वही सती बाद में गिरजा बन करके आई हैं। तो हमारे यहाँ है कि बरो शंभु न तरहु कुंवारी, गिरजा कहती हैं कि या तो शंभु का वरण करेंगे या तो आजीवन कुंवारी रहेंगे। उसी समय से हमारे यहाँ कुंवारी का ये प्रथा आ गया है। हमारे यहाँ सावन का पांच सोमवार होता है जो कुंवारी लड़कियों के लिए होता है। इसमें अखंड बिलपत्र चढ़ाया जाता है और उसमें राम राम लिख करके चढ़ाया जाता है। राम लिखने का ये मतलब है कि भगवान शिव राम के परम भक्त हैं और उन्होंने कहा है कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। तो जितने भी रिश्ते हैं भगवान शिव के वो राम से ही हैं, तो इसलिए हम बिलपत्र पर अष्टगंध से चाहे सफ़ेद चंदन से राम राम लिख करके चढ़ाते हैं। और उसमें हमें जैसे दूध चढ़ाना होता है तो दूध चढ़ाने का मतलब यह है कि मेरे यहाँ हमेशा दूध की कमी न रहे। शहद चढ़ाने का मतलब यह होता है कि मेरे परिवार में मिठास रहे। दही चढ़ाने का मतलब यह होता है कि संसार में एकता बनी रहे, जैसे दही जोड़ता है उस तरह से हम एक रहें अपने परिवार के साथ। और घी चढ़ाने का मतलब ये होता है कि जैसे हम पूरे परिवार का एक सार मालिक होता है, उसी तरह से दूध का पूरा मालिक एक घी है। बिना दूध का घी नहीं निकलता है, उसके कई उद्यम किए जाते हैं तब घी निकलता है, इसलिए वहाँ घी भी चढ़ाना होता है। और शक्कर चढ़ाने का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में जिस तरह से गन्ने में मिठास है, एक वृक्ष में मिठास है, उस तरह से हमारी ज़िंदगी में एक मिठास रहे, एक प्यार रहे, एक ममता रहे। तो हमारे यहाँ दूध दही घी शक्कर शहद ये भगवान शिव को चढ़ाया जाता है और हमारी दुर्गा जी को भी चढ़ाया जाता है, मतलब शिवा को। कहा गया है कि सदा शिवानाम परिभूषणाय, सदा शिवानाम परिभूषणाय, शिवानिताय च निशिवानिताय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बिना शिव के शिवा अधूरे, अर्थात हमारे यहाँ शिवलिंग जो अर्घा है वो आदिशक्ति भगवती दुर्गा का प्रतीक है, उसमें जो शिवलिंग विराजमान है वो भगवान शिव है। तो हमारे यहाँ सब कहते हैं कि बाबा बाबा सब कहे, अम्बा कहे न कोई, बाबा के दरबार में जो अम्बा कहे सो हो। ये इसलिए हुआ है कि भगवान शिव हमेशा समाधिस्थ रहते हैं। जब वो जागते हैं तो कथा कहने में समाधिस्थ रहते हैं, भगवान राम की कथा कहते हैं, और जब ध्यान करते हैं तो सुषुप्ता अवस्था में भी वो ध्यानमग्न रहते हैं, तो वो जागते ही नहीं हैं। वहाँ जागता कौन है? आदिशक्ति भगवती दुर्गा जागती है। इसीलिए सीता जी ने पहले दुर्गा की अर्चना किया था और वहाँ जाकर के उन्होंने कहा था कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जैसे आप गिरिवर की किशोरी थी वैसे मैं जनक की हूँ, मैं भी महेश, जैसे आप महेश की चकोरी बन गए वैसे मैं राम की बनना चाहती हूँ। अड़ंगा क्या है? धनुष। धनुष क्या है? शिव जी का है। और शिव जी कहाँ है? समाधि में है, आप चाहेंगी तो जगा देंगे। यहाँ कहती हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, आप महेश की चकोरी बन गई तपस्या करके, मैं राम की बनना चाहती हूँ। जय गजवदन खडानन माता, जैसे आप दो पुत्रों की माँ हैं वैसे भी हमें दो पुत्र चाहिए, लो और कुछ। जगत जननी दामिनी गाथा, जैसे आपकी सती गाथा गाई जाती है वैसे मेरी सीता गाथा गाई जाए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमारे आदिकाल से शिव और शिवा की पूजा कुंवारी लड़कियाँ या सुहागिन औरतें सब करती आ रही हैं। और इसमें श्रावण के सोमवार में जहाँ तक हम मानते हैं कि जब हमारा पांच सोमवार पूरा हो जाए तो किसी सुहागन ब्राह्मणी और ब्राह्मण को बुला करके घर में उनका पैर रंग करके उन्हें बिंदी सिंदूर चुंदरी सब दान करके उन्हें मीठा भोजन करा के विदा करना चाहिए। ये हमारे यहाँ का मतलब एक प्रथा है, एक हमारे यहाँ का कथा का जो एक सार है वो यही है। जगत माता आप हैं, तुम्हारी कन्याओं के लिए इस सावन के पावन पर्व पे क्या संदेश देना चाहिए? हमारा यही संदेश है कि वो माँ बाप के बातों को माने और ये जो प्यार वाला संबंध है उसमें हम जहाँ तक समझते हैं कि अभी बहुत सी घटनाएं ऐसा सुनने में आ रहा है कि लड़के मार दिए जा रहे हैं, लड़कियाँ मार दी जा रही हैं,
तो बिना सोचे समझे लड़कियों को कदम नहीं उठाना चाहिए, और माँ बाप को भी चाहिए कि अगर लड़का शिक्षित है, पढ़ा लिखा है और परिवार उसका मतलब तैयार हो रहा है तो शादी कर देनी चाहिए, चाहे वो अपने जाति में हो चाहे अलग जाति में हो, लेकिन हो हिंदू ही। इसमें सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ है कि यह आदिकाल से चला आ रहा स्वयंवर। स्वयंवर में क्या था कि राजा महाराजा बड़े बड़े राजाओं को बुलाते थे और वहाँ जातियाँ नहीं ली जाती थी, किस जाति को लड़की वरण करेगी, जिसको वो समझ में आता था वरण करती थी। लेकिन आज क्या है, भावनाओं में बह करके लड़कियाँ गलत कदम उठा ले रही हैं, माँ बाप से छुपा रही हैं, बाद में जब पोल खुल रहा है तो माँ बाप अपनी इज्जत को लेकर के एकदम मरने मारने को तैयार हो जा रहे हैं। तो इसमें माँ बाप को बताते हुए, हर चीज़ को कायदे से रखते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लड़कियों को यही कहेंगे कि पहले आप शिक्षित होइए, पहले आप कुछ अपने पैर पर खड़ी होइए, तब प्यार की हवा में बहिए, तब आपके लिए आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। अन्यथा परिवार जो होता है वो एक जोड़ने की ताकत रखता है। अगर परिवार अलग हो जाता है, शादी विवाह अपने से आप कर ले रहे हैं, उधर लड़का कर ले रहा है, तो ना लड़के वाले के परिवार साथ देते हैं, ना लड़कियों वालों का परिवार साथ देते हैं। इसमें जब उन्माद बढ़ता है, आवेश बढ़ता है, उग्रता बढ़ती है, तो दोनों अलग हो जाते हैं। इन दोनों के अलग में बर्बाद कौन होता है, एक छोटा सा बच्चा जो इनकी ज़िंदगी में आता है। तो हम इसलिए कहेंगे कि हर परिवार को जोड़ करके ये सब चीज़ें ली जाए, और प्यार की भावनाओं में बहने से पहले अपने अर्थ की व्यवस्था कर ले और अपने बच्चे की ज़िंदगी की व्यवस्था कर ले, तब आगे बढ़े तो अच्छा लगेगा। हमारा यही संदेश है।